हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी दिन के बाद आया है। एक बहुत लंबा ब्रेक लग गया था, तो हम लोग लेसन 6 के टैकी एंड टैबी फन पार्ट को कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था, 1 और 2 हो चुके थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 होना था, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन था, आप चाहें तो उसको खुद से भी कर सकते थे। क्वेश्चन है, राइट द कलर कोड ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का कलर कोड क्या है? देखिए, कोई भी कोड हो, कलर का कोड कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का, उसको हम हेक्स कोड भी कहते हैं। तो चूंकि ये ब्लैक कलर है, और जो 6 डिजिट होते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए होते हैं, जिसको हम RGB कोड भी कहते हैं। तो जो ब्लैक कलर है, इसका कोड होगा हैज़ का साइन बनाएंगे, 00000, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी कलर इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ब्लैक है। ओके, 00000 इसका आंसर हो गया। अब हमें लैब एक्टिविटी पे आना है। तो लैब एक्टिविटी में लिखा हुआ है, ओपन नोटपैड एंड क्रिएट अ वेब पेज ऑन वायरलेस टेक्नोलॉजीज़। आपको याद होगा लेसन 1 आपका वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ का था, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको लिखना है यूजिंग द HTML कोड। ओके, तो जब आप नोटपैड ओपन करेंगे, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप नोटपैड ओपन कर लीजिए, और अगर आप मोबाइल फ़ोन है आपके पास, कंप्यूटर नहीं है, तो एक एप्लीकेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पे हमें सर्च करना है ए एन राइटर फ्री HTML एडिटर, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेना है, इसको ओपन करेंगे, और इसको ओपन करने के बाद अलाउ करेंगे, जो भी परमिशन मांगेगा। ओके, प्राइवेसी पॉलिसी, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्क्रीन पे ये एडिटर आ जाता है, बिल्कुल नोटपैड की तरह, ठीक है। चलिए, तो इतना कर लेना है हमें। अब उसमें हमें कोड लिखना है, और उसको जब हम सेव करेंगे तो नाम क्या देंगे? wireless.html, ठीक है, इस नाम से हमें इसको सेव करना है। और सेव करने के बाद इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि कंप्यूटर में आपके होता है, इसमें आपको ओपन करना है, तो उसका आपको आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। और लिखना किस बारे में है? वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिखना है। आप सभी को पता है लेसन 1 में वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ाया गया था। एक छोटा सा वेब पेज बनाना है आपको, हेडिंग होगी जिसमें वायरलेस टेक्नोलॉजीज़, और फिर पी टैग के अंदर आप पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, चलिए हम उस ऐप को ओपन कर लेते हैं, AN राइटर को। ये हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ है AN राइटर, ठीक है। अब हम यहाँ कोड लिखेंगे, तो कोड लिखने के लिए आपको कीबोर्ड के जस्ट ऊपर ये आपको एंगल ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, और इस एडिटर में कोड लिखना बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो ऊपर देखेंगे ब्रैकेट लग चुका है, फिर हम लिखेंगे HTML। पहला टैग हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? HTML। फिर हम इसको क्लोजिंग वाले पे क्लिक करेंगे, तो HTML क्लोज हो गया ऊपर, मतलब उसका ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद एंटर दबाएंगे तो न्यू लाइन आ जाएगा, सेकंड लाइन में फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, हेड पार्ट होता है हेड, उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, हेड के बाद टाइटल होता है, और टाइटल क्लोज, ठीक है। टाइटल क्लोज करने के बाद यहाँ जो भी लिखना है आपको टाइटल, जैसे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी,
वायरलेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद टाइटल क्लोज, तो जैसे ही हम क्लोजिंग पे दबाएंगे टाइटल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, इस पर फिर से दबाएंगे तो हेड क्लोज हो जाएगा। मिडिल वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल ब्रैकेट और स्लैश जो बना हुआ है इस पर क्लिक करते ही अपने आप ये क्लोज हो जाते हैं। अब फिर से न्यू लाइन में जाएंगे, अब यहाँ से हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही लिखेंगे ऑटोमेटिक आ जाता है बॉडी, इस पर हमें टच कर देना है बस, बॉडी टैग लग गया। अब इसमें हम H1 जो हमारी पहली हेडिंग होगी, सबसे बड़ी साइज की हेडिंग, इसमें हमें लिखना है वायरलेस टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, और H1 क्लोज कर देना है। हेडिंग क्लोज हो गई, अब हम हेडिंग के अंदर कुछ पैराग्राफ लिखेंगे, तो हम लगाएंगे पी टैग। कौन सा टैग? पी टैग, पी मतलब पैराग्राफ। पी लगाने के बाद इसमें हम इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी लिखेंगे, तो आपको XYZ जो भी आपको बुक से देख के लिख देना है। ठीक है, बुक से देख के एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देंगे आप। उसके बाद और बीच बीच में जहाँ अपन आपको लाइन चेंज करना है वहाँ BR टैग लगाते जाएंगे। कौन सा टैग स्टूडेंट? BR टैग, BR मतलब ब्रेक। ठीक है, BR टैग लगाते जाएंगे और लास्ट में P को क्लोज कर देंगे। P क्लोज होने के बाद फिर हमें बॉडी भी क्लोज करनी पड़ती है, फिर हमें HTML भी क्लोज करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको पूरा कोड लिखना है। फिर आपको ऊपर सेव का बटन दिख जाएगा, ये फाइल के ऊपर ऊपर सेव का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसका नाम देंगे, जो भी इसका नाम होगा, जैसे नाम बताया था वायरलेस डॉट टेक्नोलॉजीज करके आपको नाम देना है यहाँ पे। ठीक है, वायरलेस डॉट HTML सेव। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हमें इसका आउटपुट अगर देखना है तो नीचे, सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट ये आएगा। तो इस तरह से जो आउटपुट आपका आएगा उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करना है ऐप, एजुट्रेंड ऐप पे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके। और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि अपना नाम आपको लिख देना है, जैसे H1 टैग में हमने लिखा है ना, तो आप H3 लगा के यहाँ पे अपना नाम भी लिख देंगे, तभी पता चलेगा कि ये आपने बनाया है। ठीक है, H3 टैग लगाएंगे, अपना नाम लिख देंगे, H3 क्लोज कर देंगे, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जो इसका आउटपुट है इसमें देख के हमें पता चल जाएगा कि ये कोड आपने ही लिखा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।